हाउ टू फिक्स सैमसंग M12 कैमरा कीप स्टॉपिंग प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपके जो कैमरा है वो बार बार स्टॉप्ड होते रहते तो कैसे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आज के इस वीडियो पर मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको भी सॉल्यूशन करना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और कुछ रीजंस जो है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर पे, ताकि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए कि प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है और आपको कैसे फिक्स करना है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, जब कैमरा स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली सेटिंग पर जाना है। स्क्रॉल डाउन करके आपको ऐप्स ओपन करना है और उसके बाद नीचे की तरफ जाके कैमरा को इनेबल करना है, यानी कि कैमरा को ओपन करना है। उसके बाद जाइए दोस्तों स्टोरेज पर और क्लियर डेटा पर क्लिक कीजिए, एंड आपको ओके करके डेटा को क्लियर करना है। डेटा दोस्तों जैसे ही आप क्लियर करोगे, आपको यहाँ पर क्या करना है, परमिशन पर जाना है और सारे परमिशंस अलाउ कर देना है। ठीक है, सारे परमिशंस अलाउ करने के बाद दोस्तों आपको बैक करना है, मोबाइल को रिस्टार्ट करना है और चेक करके देखिए प्रॉब्लम फिक्स हो चुका होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाय एनी चांस अगर आपको ये प्रॉब्लम दोबारा से आते हैं, मोबाइल स्टोरेज चेक करें। मोबाइल स्टोरेज अगर काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पूरा कंज्यूम हो चुका है, फुल होने वाला है, तो आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए। अगर आपके मोबाइल पे कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जो कि बैड एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, कोई भी अननोन ब्राउज़र से, तो उस ऐप को डिलीट करें और अपना मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। मोबाइल सॉफ्टवेयर अपडेट रहने से दोस्तों इस तरीके का प्रॉब्लम आपको सबसे कम दिखाई देने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाई एनी चांस सारे सॉल्यूशन करने के बाद भी इश्यू प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, तो आप सेटिंग पर जाए, स्क्रॉल डाउन करें, रीसेट ऑप्शन आपको सर्च करना है। रीसेट आपको मिलेगा जनरल मैनेजमेंट पे, नीचे पर आपको मिल जाएगा रीसेट और फैक्ट्री डेटा रीसेट कर देना है। ठीक है, जैसे फैक्ट्री डेटा रीसेट होगा आपका मोबाइल कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यूज़ करके देखिए, कोई भी दिक्कतें, कोई भी इश्यू बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।